भारत पाक स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित बीओपी रानिया के नजदीक बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से जवानों ने यूएस निर्मित MP4 नामक अत्याधुनिक राइफल एयर उसके जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा सर्च के दौरान 3 किलो हेरोइन व कुछ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। डीआईजी बीएसएफ ओब्राई ने बताया कि इस बारे में पिछले समय से कुछ इनपुट आ रहे थे कि देश विरोधी ताकतें घुसपैठ कर सकती हैं, जिसके चलते पोस्ट के सभी जवानों को मुस्तैद रहने के आदेश दिए गए थे। दिन से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा दी जा रही थी कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन या एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है अपनी हरकत बढ़ा सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि वो शायद आर्म्ड मिलिटेंट या आर्म्ड पर्सनल ना हो। तो उस खबर के ऊपर में काफ़ी दिन से डेवलप कर रहे थे हम लोग, और उसी खबर के कारण ट्रूप्स काफ़ी अलर्ट थे, चौकन्ने थे, और रात को तकरीबन 2:30 बजे रानिया रामकोट के इलाके में हरकत दिखाई दी हमारे किसी एक जवान को। आपको ध्यान है कि इस समय थोड़ा सा फसल जो है इस बार लेट है कटाई में, और धान की फसल काफ़ी ऊंची हो रखी है, फैंस के पीछे भी और फैंस के आगे भी, जिसका कवर लेते हुए, और वहाँ पे जो ग्राउंड है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है, जिसको अंडुलेटिंग बोलते हैं, ऊंचा नीचा ग्राउंड का फ़ायदा उठाते हुए कम से कम 2 जो एंटी नेशनल एलिमेंट है वो फेंस के तकरीबन 40 मीटर आ गए, और जब वो डिटेक्ट हुई उनकी एक बंदे की मूवमेंट, तो हमारे अलर्ट जवान ने उसे चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद वो इंस्टेड ऑफ रिएक्ट करने के उसने भागने की कोशिश की, और हमारे ट्रुप्स ने उसके ऊपर सेल्फ डिफेंस में फायर किया। क्योंकि ये हमें ज्ञात है कि जब भी ऐसा कोई एंटी नेशनल एलिमेंट आते हैं तो वो आमतौर पर हथियार जरूर साथ में होते हैं। पूरे इलाके को हमने ऑब्जर्वेशन में रखा पूरी रात 2:30 से लेके और फर्स्ट लाइट तक, और सुबह 6:15 बजे जब फर्स्ट लाइट हुई तो उस इलाके की बांट की गई, और 2 जगह से पार्टियां जो है मोबिलाइज की गई, 2 कॉलम्स मोबिलाइज किए गए, और ईच कॉलम जो है जो कि ऑफिसर्स द्वारा लेड था, उन्होंने ऑपरेशन जारी शुरू किया, और पहला कॉन्टैक्ट जो एरिया के नज़दीक में हुआ तकरीबन 9:15 बजे पैडी क्रॉप के पास में, धान की खेती के अंदर में कुछ हरकत सी दिखाई दी दूर से, और जवानों ने इमीडिएटली पोजीशन ली और उसके पास में रेंगते हुए पहुंचे, और रेंगने के कारण फ़ायदा यह हुआ कि इससे पहले कि वो छुपा हुआ वहाँ जो एंटी नेशनल एलिमेंट था कुछ हरकत कर पाता, हमारे लड़कों ने उसे दबोच लिया, और जैसे ही उसको दबोचा तो पाया कि उसके पास में एक बहुत बड़ा हथियार था जो बाद में आइडेंटिफाई हुआ MP4 के राइफल थी। वो MP4 एक ऑटोमेटिक हथियार है जो अमेरिकन वेपन है, और ऐसा वेपन 28 जिंदा राउंड और 2 मैगजीन अगर कोई लेके आ रहा है तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि उसके इरादे कुछ अधिक ही गलत थे देश के प्रति हमारे। बट हमारे जवान, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान बहुत अलर्ट थे, और अलर्टनेस का ये फायदा था कि उसे दबोच लिया गया और उसे पकड़ के अपने पास हम ले आए। साइमल्टेनियसली दूसरी जगह पे जो पार्टी सर्च कर रही थी उन्हें भी सक्सेस हासिल हुई, और उन्होंने 3 पैकेट सस्पेक्टेड हेरोइन के, जिसका कि वेट तकरीबन 3 kg से ऊपर है, वो रिकवर किए, और कुछ ही दूरी पर वहाँ पे उन्हें 2 शॉल भी दिखाई दिए जो ये इंडिकेट करता था यूज शॉल हैं, इस्तेमाल किए हुए शॉल हैं, और जिसमें थोड़ी मिट्टी भी लिपटी हुई थी, जिससे ये क्लियर इंडिकेटर था कि कम से कम 2 जो है एंटी नेशनल एलिमेंट्स इसमें शामिल थे, जो कि सीमा पार करके हिंदुस्तान के अंदर घुसने की जिन्होंने ज़रूरत की और जिन्हों की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने रिपल्स किया, और एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा कायम किया गया। इसमें जागृति लहर के लिए अमृतसर से अमन महाल की रिपोर्ट।